देखिए हमारा ये व्हीट स्टोन सेतु, इसका आविष्कार 1678 ईस्वी में प्रोफेसर व्हीट स्टोन के द्वारा हुआ था। इसमें चार प्रतिरोध लिया जाता है, पी क्यू आर एस। इसमें पी क्यू को हम कहते हैं अनुपातिक भुजा, आर को कहते हैं ज्ञात भुजा और एस को कहते हैं अज्ञात भुजा। इसमें हमारा एस ये है अज्ञात प्रतिरोध है। जब चारों प्रतिरोध समान होते हैं तो बीच में कोई धारा नहीं है, और जैसे ही हम किसी भी प्रतिरोध को कम या ज़्यादा करते हैं बीच में करंट आ जाता है। अब देखिए अभी ये दोनों हमारे समान हैं, ये भी समान है, तीनों हमने समान रखा है, एक हमने चेंज किया तो बीच में धारा आ गई। जब हम इसको संतुलित कर लेते हैं, अभी से तो असंतुलन है, असंतुलित है ये, जब इसको हम संतुलित करते हैं, अब हमारा सेतु संतुलित हो चुका है, अब बीच में कोई धारा नहीं है। तो इस प्रकार P बटा Q बराबर R बटा S जो है ये व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। P बटा Q बराबर R बटा S के सिद्धांत पर ये व्हीट स्टोन सेतु आधारित है।